हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पिंड स्वेद। पिंड स्वेद क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वेदन द्रव्यों को जो वस्त्र की पोटली है वो बनाकर सुखोष्ण करके स्वेदन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पिंड स्वेद। ठीक है, ये एक संकर स्वेद का ही टाइप है। इसमें जो तिल, उड़द, कुलथ, मांस रस आदि द्रव्यों को पका लिया जाता है पिंड रूप में बनाकर, फिर उसको दुग्ध, मांस रस, तेल आदि में पुनः पुनः डुबोकर पूरी बॉडी पर इसको स्वेदन किया जाता है। पिंड स्वेद में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने जो भी हमारी औषधियां उनको कूट पीस कर एक पिंड रूप में बना लेना है। फिर उसको क्या करना है, एक वस्त्र की जैसे पोटली है उसमें बांध लिया। ये हमने पोटली बना ली वस्त्र की। पोटली बनाने के बाद कोई भी जो द्रव्य है, मतलब तेल की फॉर्म में भी हो सकता है, जो औषध सिद्धवाथर या कफर जो औषधियां हैं उनसे सिद्ध किया हुआ जो तेल है, दुग्ध है, घृत है, वो इस उसमें होना चाहिए और इसको हम हीट देंगे। और पेशेंट को हमने क्या किया है, पेशेंट को हमने लेटा रखा है, यानी उसको अभ्यंग करके आराम से लेटा रखा है। लेटाने पर इसमें क्या करना है, जो ये पोटली है इसमें भी जो द्रव्य होंगे वो उष्ण ही होंगे, लेकिन पोटली जैसे ही आप उसकी बॉडी पर ऐसे पकड़ के स्वेदन करोगे तो वो कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी। तो इस लिक्विड में उसको दोबारा से डुबोकर पूरी बॉडी पर जो हमारा स्वेदन करना है उसको हम पिंड स्वेद में रखते हैं। ठीक है, पिंड स्वेद की अब हम बात करते हैं टाइप्स की, यानी हमने ये पोटली बनाकर किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला टाइप है पत्र पिंड स्वेद। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो हमारी औषधियां उनके पत्र, पुष्प, फल आदि को हम लेकर पिंड रूप में बनाकर यूज करते हैं, वो हमारा पत्र पिंड है। दूसरा हमारा है चूर्ण, चूर्ण पिंड स्वेद। फिर आता है लवण पोटली स्वेद। चूर्ण में हम जो औषध द्रव्य उनके चूर्ण का यूज कर रहे हैं, लवण में हम जो लवण है हमारे उसको पोटली में बांधकर पूरी बॉडी पर जो स्वेदन दे रहे हैं। फिर इसका ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है षष्टिकशाली पिंड स्वेद, और इसके अलावा जंबीर पिंड स्वेद या बालू का पोटली जो स्वेद है, ये हमारे छह मान सकते हैं हम इसके टाइप का, अलग अलग जो द्रव्य यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं पत्र पिंड स्वेद की। पत्र पिंड स्वेद क्या है, इसमें पत्र, पुष्प, फल आदि का कल्क बनाकर पोटली में बांधकर और जो ये गर्म किया हुआ तेल है इसमें डुबोकर पूरी बॉडी पर थपथपाते हुए जो है वो स्वेदन कराया जाता है। ये तीन चरणों में होगा, यानी पूर्व कर्म, प्रधान और पश्चात। पूर्व कर्म में सबसे पहले हमने क्या करना है, आतुर सिद्धता, यानी आतुर का परीक्षण करना है कि रोगी जो है वो इसके योग्य भी है या नहीं। योग्य कौन होंगे, संधिवात का पेशेंट है, पक्षाघात का पेशेंट है, या मांसपेशियों में जड़ता है, एकांगवात है, सुप्तवात है, ग्रद्धसी है, गात्र स्तंभता है, तो उनको हम ये पत्र पिंड स्वेद करा सकते हैं। अयोग्य कौन है, जिनको ज्वर है, मूर्छा है, भ्रम है, यानी पित्तज विकार है, तो हम ये नहीं करा सकते। जब हमने देख लिया कि अब पेशेंट हमारा योग्य है तो उसके बाद रोगी के बल, प्रकृति, सत्व, सातम्य आदि की भी हमने परीक्षा कर लेनी है पूर्व कर्म में। तो पहले हमारा क्या हुआ, आतुर की सिद्धता। फिर उसके बाद आता है हमारा संभार संग्रह, यानी जो भी हमें लिक्विड यहाँ चाहिए, तेल चाहिए, दुग्ध चाहिए, या सिंपल पानी है, या घृत है, तो उसको हमने पहले रखना है। पोटली बनाने के लिए हमें वस्त्र भी चाहिए होगा, पत्र चाहिए, यानी जिस भी औषध द्रव्य का आप यूज कर रहे हो उसके पत्र, पुष्प आदि का कल्क लेना है। ठीक है, स्वेदन जो हमारा अभ्यंग है, अभ्यंग टेबल हो, जैसे परिचारक हो हमारे पास, ये सारे हमारे संभार संग्रह में आता है। फिर उसके बाद आता है हमें पूर्व कर्म में ही क्या करनी है, पोटली निर्माण। पोटली निर्माण कैसे करना है, पहले हमें क्या करना है, वातनाशक पत्र लेने हैं, जैसे दतूरा, शिग्रु, अर्क पत्र, निर्गुंडी, एरंड आदि है, उनको अच्छे से साफ करने के बाद खल भी अंतर है उसमें अच्छे से कूट पीस लेना है। कूटने के बाद क्या करना है, उसका 150 से 200 ml तेल हमने एक बर्तन में डालना है, उसका थोड़ा सा पाक करके ये जो पत्र है वो डाल देने हैं। उसके अलावा चूर्ण भी डाल सकते हैं, वातनाशक औषधियों का लहसुन आदि कल्क भी ऐड कर सकते हैं, और सैंधव लवण ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद ये जो पत्तियां जो हमने कल्क रूप में डाला था ये पूरा अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएगा, तल जाएगा। तब आपने क्या करना है, जो एक सूती वस्त्र लेना है उसको फैलाकर ये जो हमारा
जो हमने पाक किया था, जिसका एक तरह से तेल में हमने पाक किया है, जो औषधियां हैं उनको हमने इस पर डालना है। उस पर रखने के बाद हमें ये जो सारे किनारे होंगे इस वस्त्र के, उनको अच्छे से पकड़कर अच्छे से बांध देना है। इस प्रकार से पोटली बनानी है ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो उसको, ठीक है, आसानी से हो जाए। इसलिए हमें पोटली बनानी है। ये दो या चार पोटलियों का हम निर्माण कर सकते हैं इस तरह। फिर हमने पूर्व कर्म में क्या करना है, पेशेंट के वाइटल्स को रिकॉर्ड करना है, उसका टेम्परेचर, उसका बीपी, रेस्पिरेशन क्या है, ये सब करना है, और कंसेंट फॉर्म बता देना है, और पेशेंट को पूरा जो है वो विधि समझा देनी है कि हम कैसे उसका स्वेदन करेंगे। और स्वेदन से एक दो घंटा पहले जैसे पेशेंट को लघु भोजन, पेया या वाहू आदि देना है, और पेशेंट को बोलना है कि अल्प वस्त्र पहन के रखे, ठीक है, ताकि स्वेदन अच्छे से हो उसका। फिर हम बात करते हैं प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में क्या होगा, पेशेंट को हमने लिटा देना है जो हमारी अभ्यंग टेबल है उस पर, और क्या करना है, जो सुकोष्ण तेल है पहले उससे बॉडी पर अभ्यंग कर देना है। अभ्यंग करने के बाद अब ये हीटर पर हमने एक बर्तन में 200 ml तेल को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ये जो हम लिक्विड ले रहे हैं तेल, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। इधर जो हमारी पोटली है जो हमने बनाई थी, इसको इस द्रव्य में पकड़ के डुबोते हुए इस पेशेंट के ऊपर स्टॉकिंग करते हुए हमने जब इसका स्वेदन कराना है। ये इसकी टाइमिंग प्रातःकाल या सायकाल हम पेशेंट को करा सकते हैं, और सम्यक स्वेदन के लक्षण होने तक, या फिर नॉर्मली अगर हम बात करें तो 40 मिनट्स तक पेशेंट का इस तरह हमें स्वेदन करना है। हमें सावधानियां क्या बरतनी है, क्या ध्यान में रखना है जब ये हम स्वेदन करते हैं पत्रपिंड, तो पोटली जो भी हम बाथर क्वाथ में या तेल में डुबोकर निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने हाथ की त्वचा पर उसको हल्का सा या पेशेंट के हाथ पर लगा के देखना है, क्योंकि अगर वो ज्यादा उष्ण हुई तो पेशेंट में ब्लिस्टर या व्रण बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले हल्का सा हाथ पर लगा के देखना है, जब पेशेंट को सहन होगा वो कि हाँ वो इतना गर्म सहन कर सकता है, तब उसकी बॉडी पर लगाना है। और जो टेम्परेचर होना चाहिए पोटली का, यूं नहीं है कि पहले आपने गर्म पोटली लगा दी फिर उसके बाद आप ठंडी, जैसे अगर उसकी हीट चली गई है उसके बाद भी लगाए जा रहे, तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए। पेशेंट में अगर सम्यक लक्षण आ गए हैं स्वेदन के, यानी शीत शूल आदि का नाश हो गया है, स्तंभता और गौरवता चली गई है, मृदुता आ गई है, तो स्वेदन को रोक देना है। अगर हीन लक्षण आए हैं, यानी ये सारे जो सम्यक लक्षण है इनकी उत्पत्ति ना होना, तो पुनः हमने स्वेदन कराना है जब तक सम्यक लक्षण ना आ जाए। अगर पेशेंट को अति स्वेद के लक्षण आ रहे हैं, दाह है, मूर्छा हो रही है, ज्वर हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो गया है, ब्लिस्टर्स बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब शीतल उपचार करना है। और अगर व्रण आदि बन गया तो शब्दोद्वित है, उसका हमने पेशेंट पर प्रयोग करना है। ये हमारा हो गया प्रधान कर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पश्चात कर्म के हम, यानी हमने जो रोगी है अब उसको आहार विहार संबंधी आदेश देना है कि उसको कैसे आहार विहार अपना करना है। तो जैसे ही पत्रपिंड स्वेद उसका हुआ, आपको पता चला कि सम्यक लक्षण आ गया, तो रोगी को थोड़ी देर विश्राम कराना है। फिर क्या करना है, जो है वो यानी बात है जो निवास स्थान पर लेटाना है उसको, फिर स्नान करने को बोलना है 1.5 से 2 घंटे बाद, औषधि युक्त क्वाथ में या सुकोष्ण जल से स्नान कराना है। रोगी को लघु आहार, पेया या यवागु देने को बोलना है। बाकी तेज बोलना, दिवा, स्वप्न, रात्रि जागरण या जो अष्ट महादोष कर भाव है ये सारे वर्जित है, ये सारे नहीं करने, ठीक है। और काल मर्यादा इसकी जो है वो 7 दिन तक या 7, 14 या 21 दिन तक हम पेशेंट में करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पिंड स्वेद में पहला पत्र पिंड स्वेद। थैंक यू।